हेलो दोस्तों, दिस इज धारा मरोड़वा यूट्यूब चैनल। मैं आज एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ फर्नीचर के ऊपर, हाउस यूज फर्नीचर। तो आज मैं इसे लेने जा रहा हूँ मलाड बेस्ट से, एक अच्छी मार्केट है फर्नीचर्स के लिए। तो वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ से मैं एक टीपॉट लेना है, एक कपट लेना है और एक बेड लेना है। तो ऑलरेडी मैंने एक बेड लाया हुआ था, हम मैं और मेरे भाई ने जाके, वो काफ़ी अच्छा बेड है, यूज़ करे 1 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो वापस से मुझे एक फर्नीचर लेना है, दिवाली की शॉपिंग करनी है। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से लूँगा। और ये काफ़ी अच्छा मार्केट है, आप वहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए, आपको जो भी फर्नीचर चाहिए घर के आपको वहाँ पे से मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूँ। थैंक यू गाइस, चलो फिर चलते हैं शॉपिंग के लिए, मलाड बेस्ट। ये लोखंड का कपाट कितने का रहता है? ये सिंगल वाला 7,500। और डबल डबल वाला 9,500। और जो हम लोग ने लेके गया था वो कितना, 7,000 का बोला था, उसमें का सैंपल नहीं है। हाँ यही तो सैंपल देखा था। पानी ले ले पानी। पानी लगेगा, पैसा दे दो। ये वीडियो है, ये बेड है, देखो ये बेड है, पा
मैंने टीपॉट भी लिया था, ये टीपॉट 2000 का पड़ा था, काफ़ी अच्छा टीपॉट है, ये पूरा स्टील है और ऊपर एक ब्लैक कलर का कांच लगा हुआ है, तो काफ़ी रीजनेबल रेट में मुझे मिला था 2000 रुपये में। आप इससे बड़ा टीपॉट लेंगे तो आपको 2800 रुपये उनका वो बोलते हैं प्राइस, पर आप उसे बार्गेनिंग करके आप उसे और भी सस्ते पे ले सकते हैं आप। हाय गाइस, फाइनली मैंने सारी शॉपिंग कर ली है, मैंने टीपॉट ले लिया है और मेरा कपाट और मेरा बेड जो ये 5 तारीख को आने वाला है, 5 नवंबर को, तो वो मैं बेड जब आएगा वो कपाट आएगा तब मैं आपको उसका दिखाऊंगा वो कैसा है किस तरह है। मैंने कपाट जो लिया है 6000 रुपीज़ का है और 6000 रुपीज़ का है, और मेरा जो बेड है वो अराउंड 12000 है, और दोनों का मिला के डिलीवरी चार्जेस 700 रुपीज़ ले रहे हैं वो लोग, मतलब 12000 6000 18000 प्लस में 700 और प्लस में 2000 का टीपॉट लिया था मेरे 20200, तो इतने का मैंने शॉपिंग किया वहाँ से। तो एक्चुअली आप वहाँ पे जाइए शॉपिंग कीजिए, और जो मैंने ब्लॉग में मैंने बेड दिखाया वो मैंने लास्ट ईयर मैंने भाई के लिए लिया था, उसका साइज़ कुछ 4x6 है और उसकी जो हाइट है, हाइट का लेंथ है 18 इंच इसलिए लिया था तो गाइस कि क्योंकि उसमें स्टोरेज काफ़ी अच्छा मिलता है, मैं जो मेरे बड़े बड़े बैग्स हैं वो आराम से 5 बैग उसमें आराम से आ जाते हैं, और साथ में आप उसमें आपके रजाई गद्दे सारे रख सकते हैं, जो वेस्ट चीज़ें जो बाहर रहती है वो सारी चीज़ें आप वो बेड के अंदर रख सकते हैं, इसलिए मैंने उसकी हाइट थोड़ी सी लंबी बनाई है 18 इंच। आप वहाँ पर अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप वहाँ पर आपके साइज़ के हिसाब से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज इतना ही, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए मेरा एड्रेस पे शॉपिंग कीजिए, अगर आपको फर्नीचर चाहिए घर के लिए, आपको एक ही शॉप नहीं वहाँ पे लाइन से काफ़ी शॉप है जो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फर्नीचर मिल जाएंगे और रीजनेबल रेट में, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जिस जैसा चाहते हैं आप वैसा बनवा सकते हैं आप, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, वीडियो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाता रहूँ। थैंक यू गाइस, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।